नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। गरीब परिवार बरसात में हुआ त्राही त्राही। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ थाना सरायमीर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पवई लाडपुर पशु अस्पताल के पीछे एक गरीब परिवार जिसके घर में भरा पड़ा है बरसात का गंदा पानी, जिससे गरीब परिवार को हर बरसात में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गरीब का आशियाना पानी में जलमग्न हुआ है। पीड़ित परिवार के चंद्रावती देवी का कहना है, सरकार द्वारा हमें कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिला, ना ही कॉलोनी ना ही शौचालय की सुविधा। घर तक आने जाने के लिए हमें ग्राम प्रधान के द्वारा कोई रास्ता भी नहीं दिया गया। बरसात के समय में हम लोगों को दो दो फीट ऊपर गंदे पानी में चल करके आना पड़ता है। कभी कभी हमारे घर में जहरीले सांप भी निकल जाते हैं। खाना बनाने और खाने में बहुत समस्या आती है और सांप निकलने से घर वालों में डर बना रहता है। पीड़ित परिवार में चंद्रावती देवी के 5 पुत्र धनुर्धारी, कृष्ण मुरारी, श्रवण कुमार, रामाश्रय, श्रीधर का कहना है कि हमको बहुत कठिनाई से आना जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में हम यही चाहते हैं कि हमारे मंडी तक कोई रास्ता प्रधान जी द्वारा बन जाए और पानी की निकासी का उत्तम व्यवस्था किया जाए, जिससे हम लोग बिना डर के अपना जीवन यापन कर सकें। आजमगढ़ सरायमीर से रवि कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। उनका बगल में घर है, इसी तरह आना जाना पड़ रहा है। इन लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। सरकार द्वारा कोई भी लाभ इनको नहीं मिला है। जी माता जी, बताइए इस रोड से आपको आने जाने में क्या परेशानी नहीं हो रही है? परेशानी तो बहुत है बेटा। हाँ। थोड़ी नहीं, बहुत है। अच्छा, क्या प्रधान जी द्वारा कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं करवाया जा रहा है क्या? कोई भी नहीं, कोई अच्छा। भी नहीं। प्रधान ही तो हमको उजाड़ रहे हैं। अच्छा, प्रधान जी आप उजाड़ रहे हैं? प्रधान, प्रधान के पिता। हाँ। तो क्या हमने सुना था कि आपकी जमीन प्रधान ने 3-3 बार बेच भी दिया है। हाँ। 3 बार बेचा था। हाँ। कब्जा करने वाला आया था। बताइए, पूरे घर में आग लगा दी थी। अच्छा, पूरा आग। हाँ, घर में पूरा आग लग गया था। सब कुछ, खाली जान बचा था। खाली जान बचा था, ये छोटे हैं बच्चे, ये बच्चे का बोल जाला बहुत मुश्किल से बचे थे। अच्छा, क्या उसका पता नहीं चला? आपने थाने में दरखास्त का दिया था जब आग लगी थी? नहीं, चली थी, केस चला था। अच्छा, नाम उनका पता है? हाँ। क्या नाम था उनका जो आग लगवाए थे गांव घर में आपके घर में? एक तो देखो, ये जो कोठी वाला है। हाँ हाँ, सामने। हाँ, इसको तीसरी जगह इसको बेचा है। अच्छा, नाम बताइए उनका। नाम है, इनके बाप का नाम अलाउद्दीन है। अच्छा, उनके बाप का नाम अलाउद्दीन है। हाँ। और इनका लड़के का नाम ग्यासु। आसू, ग्यासु। हाँ। अच्छा, जो घर में आप क्या लगवाए थे? हाँ, इसके पिता लगवाए थे। अच्छा, उनके पिता लगवाए। हाँ। चार चार बार आपके घर बेचा गया प्रधान द्वारा? हाँ, मन्नू, अभिमन्यु ने बेचा है। अभिमन्यु का लड़का, अर्जुन का लड़का अभिमन्यु ने। हाँ। अच्छा, गाँव का ठाकुर है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग खाना वाना पकाने में कैसे पकाते हैं? बताइए, कैसे बताएं? कैसे बताएं? मुसीबत से पकाया गया था कि क्या कर जाए, हमें लोग जाने थे। खाना तो बहुत दिक्कत से पका रहे हो साहब। अच्छा, खाना बहुत दिक्कत से पका रहे हैं? दिक्कत से पका रहे हो खाना। प्रधान द्वारा कोई सुविधा मिला है? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। नहीं। राशन कार्ड है आपके पास? हाँ। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। चलिए ठीक है। कॉलोनी मिली है आप लोगों को? नहीं। कुछ भी नहीं मिला, कॉलोनी भी नहीं मिला है? नहीं। सरकार द्वारा कोई भी लाभ नहीं मिला है? कोई लाभ नहीं, वही एक राशन है। हाँ, ये जमीन जो आपको मिली है ये सरकार द्वारा मिली है? हाँ। कैसे मिली थी बताइए? काउंटर मिली थी। जी बताइए, जमीन आपको कैसे मिली है? ये जमीन पहले पता नहीं साहब, बंजर रहल की काव रहल वे तो आगे ना बताई। हाँ। मगर जब ये जमीन मिलल थी तो हमारे ससुर के नाम से मिलल है। अच्छा, ससुर। हाँ। के नाम पे आपने मिला था? चलिए ठीक है, अपना नाम बताइए। चंद्रावती। चंद्रावती, आपका नाम? परमीला। परमीला, बाबू? सत्यम। सत्यम, चलिए ठीक, हम न्यूज लगवा।